नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर अभिनय एमसीक्यूज की आगे के क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में हम 300 तक क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। 301 से इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन। तो ये हमारी 15 वीडियो है कंप्यूटर की। ओके, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट है द रोम चिप विच कैन बी रिटन सेवरल टाइम्स एंड रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू इरेज इट कंटेंट इट कंटेंट इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा EPROM। तो EPROM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक मेमोरी चिप होती है, यानी कि यह बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद भी डेटा को पकड़ सकती है। और आसान भाषा में कहें तो मतलब इसे बार बार पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि यह आसानी से प्रोग्राम करने योग्य और मिटाने योग्य है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है FPI स्टैंड्स फॉर। तो इन ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में FPI मतलब किस पे स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी और इन ऑप्शन में से, क्योंकि FPI की काफ़ी सारी फुल फॉर्म होती है। इन ऑप्शन में से इसकी फुल फॉर्म होगी फ्रेम्स पर इंच। ओके, अगला है ए टेराबाइट कंप्राइजेस। 1 टेराबाइट में कितने इनमें से होते हैं? मतलब तो 1 टेराबाइट में, यानी कि 1 TB में होते हैं 1024 GB, यानी 1 GB होते हैं, ठीक है, 1 टेराबाइट में। और आगे की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 1024 KB होते हैं 1 MB के बराबर, 1024 MB होते हैं 1 GB यानी 1 GB के बराबर, 1024 GB होते हैं 1 TB के बराबर। ओके, और 1024 TB जो है 1 PB के बराबर होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी विच इज़ अटमोस्ट एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर। तो वो कौन सी मेमोरी हमारी? वो है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ओके, तो कैश मेमोरी क्या होती है? देखिए, कैश मेमोरी एक छोटे अमाउंट के, यानी कि काफ़ी हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी होती है एक छोटे अमाउंट में, ठीक है, जो कि मतलब अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन या डाटा को स्टोर करके अपने पास रखती है और बाद में प्रोसेसर को प्रोवाइड करवा देती है। यानी कि इस मेमोरी को हम फिजिकली देख नहीं सकते क्योंकि ये मेमोरी प्रोसेसर के अंदर होती है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, प्रोसेसर मेमोरी भी कहते हैं इसको, जो कैश मेमोरी है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच काइंड ऑफ डिस्क डज द रीड राइट हेड फिजिकली टच द सरफेस। तो वो है हमारा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। अब देखिए, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसको हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कह देते हैं या फिर फ्लॉपी डिस्केट भी के नाम से भी मतलब जाना जाता है ये, ठीक है। इसका उपयोग यह कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर फाइल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर टाइपिंग अ फंक्शन इनटू सेल। यानी कि सेल में कोई भी फंक्शन अगर हम टाइप करते हैं तो उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा? तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर मैचिंग ब्रैकेट्स लगाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है इफ यू सी अ स्मॉल रेड ट्राइंगल इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ए सेल। यानी कि सेल में अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में स्मॉल रेड ट्राइंगल देखते हैं तो इट मीन्स देयर इज समथिंग अटैच टू द सेल। तो क्या है वो? तो वो होगा हमारा कमेंट, एक कमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी इज। तो कैश मेमोरी के बारे में हमने बताया था, काफ़ी छोटे अमाउंट की, स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्टिंग ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज रेफर्ड एज। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है BIOS आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो सबसे पहले जानते हैं BIOS क्या है। देखिए, BIOS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS जो होता है हमारा, वो एक कंप्यूटर सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा होता है, अंग होता है उसका, मतलब अभिन्न हिस्सा कह सकते हैं हम, इम्पोर्टेंट पार्ट। तो BIOS PC के फर्मवेयर का एक टाइप है और यह PC के बूटिंग प्रोसेस यानी कि स्टार्टअप की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। ओके, और PC के ऑन होने पर शुरू होने वाला ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते समय BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे कि रैम हो गया, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कन्फिगर करता है। ओके, और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है। ओके, तो यानी कि BIOS आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन।
तो ऑप्शन फर्स्ट इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 310 क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, BISYNC इज एन एब्रीवेशन फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी बाइनरी साइक्रोनस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोसेस ऑफ ट्राइंग आउट आउट अ न्यू प्रोडक्ट बाई इंडिपेंडेंट यूज़र बिफोर इट इज़ फाइनली मैन्युफैक्चर्ड एंड डेवलप्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं बीटा टेस्ट, यानी कि बीटा टेस्टिंग। देखिए बीटा टेस्ट का मेन पर्पज़ क्या होता है, इसका जो मेन पर्पज़ होता है बीटा टेस्टिंग का, इज़ टू वेरीफाई करना सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कन्फिग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन टू गेट द यूज़र फीडबैक ऑन द सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ईमेल प्रोटोकॉल फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट एंड चेंज स्पेशली इन कॉरपोरेट ऑफिस, तो उसको बोलते हैं हम मैसेज हैंडलिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासवर्ड, क्या है पासवर्ड? तो पासवर्ड इज अ कोड बाय विच यूज़र गेन्स एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। पासवर्ड एक तरीका का कोड होता है जिससे कि यूज़र को एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम को, ये लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द टेक्निक वेयर डिजिटल सिग्नल आर कन्वर्टेड टू इट्स एनालॉग फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन ओवर इन एनालॉग फैसिलिटी इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, और इसका ऑपोजिट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डी मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है नैरो बैंड चैनल, नैरो बैंड चैनल को हम क्या बोल देते हैं? नैरो बैंड सिग्नल भी कहते हैं या फिर नैरो बैंड कम्युनिकेशन भी कह देते हैं। तो नैरो बैंड चैनल इज कम्युनिकेशन चैनल दैट हैंडल्स लो वॉल्यूम्स ऑफ डाटा, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MIME इज ए एक्रोनियम फॉर, तो MIME जो है इसका मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब जानते हैं ये क्या है। देखिए जैसा कि आपने नाम पढ़ा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या ईमेल प्रोटोकॉल का एक विस्तार है। ओके, तो यह अपने यूज़रों को ऑडियो वीडियो उसकी छवियां और यदि इंटरनेट पर कई प्रकार के डेटा फाइलों के आदान प्रदान के करने को सक्षम बनाता है ये, ठीक है। यह एक प्रकार से एड ऑन या कह सकते हैं पूरक प्रोटोकॉल है जो कि गैर अस्काई डेटा को यानी सिंपल मेल ट्रांसफर SMTP के माध्यम से भेजने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द डैश सेटिंग्स आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड, तो कौन सी सेटिंग्स हैं? तो वो होती है हमारी डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग एंड ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अगला है पॉपअप आर ए फॉर्म ऑफ, तो ये होती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन नंबर फाइव। पॉपअप्स आर द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब पर, ठीक है। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बट ट्रू अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहला है इट इज़ ए इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, सही है बिल्कुल। इट मैनेज ऑल रिसोर्सेस, ये भी सही है। इट डज ऑल मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर, ऑल आर ट्रू। तो यहाँ तक हमने 320 तक कवर कर लिए हैं, इसकी अगली वीडियो में हम 321 से स्टार्टिंग करेंगे। धन्यवाद।